हेलो फ्रेंड्स, इजी टू कुक में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी आलू और बीन्स फ्राई, यानी कि आलू और बीन का भुजिया। तो चलिए बनाते हैं ये हेल्दी और टेस्टी रेसिपी। सबसे पहले देख लेते हैं इसके लिए इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे हमने बीन को इस तरह से काट के रखा हुआ है। साथ ही हमने लिया एक आलू, क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और ये हरी मिर्च। सबसे पहले आप कढ़ाई में डाल दें लगभग 1 से 2 चम्मच तेल। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें आप डालें हरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1 कटा हुआ आलू, 1 और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आप इस तरह से स्टर कर लें। अब इसमें आप डालें ये कटी हुई बीन्स और इसको भी आप बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ मिला लें। अब इसमें आप डालें स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला लें। ये देखिए, हम इस तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला रहे हैं। अब इसे आप ढक के धीमी आंच पे लगभग 5 मिनट तक छोड़ दें। अब बीच बीच में इसे निकाल के हल्का सा स्टर कर लें। इससे आपकी सब्जी कढ़ाई के साथ चिपकेगी नहीं। ये देखिए, हम इस तरह से इसे स्टर कर रहे हैं। अब इसे आप फिर से ढक के लगभग 5 मिनट तक धीमी आंच पे पका लें। चलिए, 5 मिनट हो चुके हैं तो अब देखते हैं। ये देखिए, ये आपका आलू बीन्स फ्राई लगभग तैयार है। हम इसे एक और बार इस तरह से मिला लेंगे। ये पूरी तरह से पक गया है। आप चाहे तो आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा आंच देकर इसे आप फ्राई कर सकते हैं। आप इसे लगभग और 2 मिनट तक फ्राई करें। यह आपकी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये आपका बीन्स आलू फ्राई बिल्कुल तैयार है। आप इसे रोटी, पराठा या राइस के साथ साइड डिश में ले सकते हैं। यह बहुत ही टेस्टी है और साथ ही यह हेल्दी भी है। हम उम्मीद करते हैं आज आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।